विनीता सिंह की सफलता की कहानी। फोर्ब्स इंडिया ने हाल ही में अपनी वुमेन पावर लिस्ट 2021 जारी की है। इस लिस्ट में जगह पाने वालों में से एक नाम शुगर कॉस्मेटिक्स की विनीता सिंह का भी है। विनीता शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर और सीईओ है। विनीता को फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। तो आइए जानते हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और कामयाबी की जर्नी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। विनीता सिंह के पिता तेज सिंह एम्स में साइंटिस्ट थे। शुगर कॉस्मेटिक्स विनीता सिंह का तीसरा स्टार्टअप है। उन्होंने सबसे पहले साल 2007 में अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत की। IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन करने के बाद विनीता को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक से 1 करोड़ रुपए का जॉब ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपना कुछ करना चाहती थी। उस वक्त विनीता 23 साल की थी। साल 2007 में विनीता ने क्विटजल नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जो रिक्रूटर्स को कैंडिडेट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस मुहैया कराता था, लेकिन ये फेल हो गया। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने फैब बैंक को शुरू किया। ये एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस था जो औरतों को एक छोटी सी फीस पर हर महीने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का असॉर्टमेंट अवेलेबल कराता था। विनीता ने 2015 में अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की, जिसमें हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो रहा है और अगले साल तक 200 करोड़ होने की उम्मीद है। दरअसल विनीता और कौशिक ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टार्टअप की शुरुआत की और ऑनलाइन प्रोग्राम से अपने प्रोडक्ट बेचने की शुरुआत की। अब कंपनी के कई आउटलेट्स हो गए हैं जो पूरे देश में है। उन्होंने 2019 में नॉर्थ इंडिया में अपना पहला स्टोर खोला था और अब 92 शहरों में 700 से ज्यादा स्टोर पर उनके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कंपनी का 45% रेवेन्यू रिटेल आउटलेट्स और 45% रेवेन्यू ऑनलाइन मीडियम से आता है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट से भी 10% रेवेन्यू आता है। अगर पिछले साल का टर्नओवर देखें तो शुगर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। लिपस्टिक और आईलाइनर की वजह से अपनी खास पहचान बनाने वाले शुगर कॉस्मेटिक्स ने कुछ ही दिनों में दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कड़ी टक्कर दी है। तो ये थी विनीता सिंह की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।